हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मौजूद हूं टाना कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर धोबी समाज के बीच में। आपको बता दें, धोबी समाज ने संघर्ष समिति का गठन किया हुआ है। संघर्ष समिति में क्या निर्णय हुआ, चुनाव हुए, चुनाव में एक बार फिर धोबी समाज ने किसको अध्यक्ष बनाया, कौन कौन पदाधिकारी हुआ, ये सीधे चलते हैं धोबी समाज के नेता दिलीप कनौजिया जी। दिलीप कनौजिया जी, धोबी समाज के जो संगठन बनाए गए हैं, संघर्ष समिति के किन किन लोगों को कितने सालों बाद ये चुनाव हुआ है? चलिए, सबसे पहले हमारा धोबी समाज आज तक नरेश कनौजिया को अपने समाज का अध्यक्ष माना हुआ था, वही जो है हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन सर, बीते दिनों जब 9 फरवरी को इस प्रकार की घटना घटी है, हम लोग अपने धोबी समाज के साथ उनके घर पे गए हैं, उनका पैर पकड़ लिया गया और उनसे कहा गया कि ऐसा है कि जो भी दादा बाबा जो भी था, जो अपने हिसाब से लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं उस जमीन के लिए कुछ नहीं कर सकता और मेरे पास कोई कागज नहीं, आप लोग मेरे द्वार से चले जाइए। इसके बाद हम लोग वहां से वापस आए, रास्ते में आते समय हम लोगों ने कोतवाली में जाकर के कोतवाल को एक ज्ञापन दिया। इसके बाद वहां से हम लोग अपने इस बिछावड़ पे आए। उसी दिन हम लोगों ने धोबी समाज की एक नई टीम की गठित किया है, उसमें जो है धोबी समाज के लोग सब सम्मत मत से मुझे दिलीप कन्नौजिया को धोबी समाज का अध्यक्ष चुना है। दूसरा जो उपाध्यक्ष वीरेंद्र कन्नौजिया है, उनको चुना गया है। तीसरे ये सोनू जी है, धोबी समाज के जो है महामंत्री बनाए गए हैं। बाकी अन्य सदस्य में लोग हैं, उसको मैं सर आपको लिखित रूप से दे दूंगा, बाकी पूरी प्रक्रिया हमारी। ये संघर्ष समिति जो बनाए गए, धोबी समाज के बिछावट की जमीन को कब्जा किया जा रहा था, क्या ये संगठन आगे काम करेगा? बिल्कुल सर, हम लोग इसी समिति को बना करके रजिस्टर्ड करवाएंगे और इसी समिति के बल पे सर इस आने वाले समय में हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। जब तक ये हमारी जमीन पूरी तरह सुरक्षित, अगर हमारी जमीन सुरक्षित हो जाती है तो हम लोग इसी समिति के नाम से इस जमीन को रजिस्टर्ड करने की मांग करेंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत ना आए। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे दिलीप कनौजिया जी, जो संगठन के अध्यक्ष चुने गए। आपको बता दें, धोबी समाज का गठन हुआ है। इससे पहले राम नरेश कनौजिया एडवोकेट इस संगठन के अध्यक्ष थे, हालांकि उनके इनकार करने के बाद धोबी समाज एकजुट हुआ और संगठन का विस्तार किया है। संगठन के विस्तार में 5 सदस्य कमेटी और 1 कोषाध्यक्ष चुना गया। खैर, जो भी हो, धोबी समाज के की बिछावट की जमीन को लेकर एक बार फिर संगठन खड़ा हो गया है और अपने संगठन और अपने समाज को लेकर लड़ाई लड़ने को आगे आए हैं। हमारे प्रोफेसर श्रीवास्तव, टीवी 7 न्यूज। हमारी मांगे पूर करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूर करो।